आज जो महाराष्ट्र बंद पुकारा गया है तो ये क्यों पुकारा गया है, डिमांड्स क्या है आपकी? देखिए, रजा एकेडमी की जानिब से जो आज महाराष्ट्र में बंद का ऐलान किया गया है, मुल्क में जो मौजूदा हालात है, जिस तरह से त्रिपुरा में मुसलमानों के कत्ल गारत गिरी की गई, जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने एक जुलूस निकाल कर बहदुर सरोवर कॉर्नर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उसको देखते हुए मुसलमानों में बहुत बेचैनी हुई। ये बेचैनी जो है तो कहीं ना कहीं एक्शन का रिएक्शन होगा। हम ये चाहते हैं कि हुकूमत हिंद ऐसी संगठनाओं पर बैन लगाए जो दो समाजों के बीच में नफरत पैदा कर रही है, और इसका बहुत बुरे नतीजे अंजाम हो रहे हैं। जिस तरह से त्रिपुरा में मुसलमानों को कत्ल व गारतगिरी की गई, मस्जिद को जलाया गया, ये बहुत ही काबिले मजम्मत है। फिर उस पर हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी, ये कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो मौजूदा हालात है बहुत संगीन है, वो देखते हुए जो आज रजा एकेडमी ने महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया, और उसको तमाम सियासी सामाजिक और संगठनाएं जितने भी है, इन्होंने सबने बंद का जो तो समर्थन किया, और औरंगाबाद की आवाम ने उसको सराहा, और उस बंद में कांधे से कांधा मिलाकर ये मैसेज दिया कि त्रिपुरा के मुसलमानों, आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। अभी तो ये बंद किए, आगे और जो भी हमारे उलमाए दीन और हमारे जो तो जितने बड़े हैं, जितने भी जो है तो रजा एकेडमी और जितने भी महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमेटी, यहाँ पर जितने भी जो तो संगठनाएं है जमात इस्लाम हिंद, ये लोग बैठकर जो भी आगे के लाए अमल तैयार करेंगे, उसमें औरंगाबाद के मुसलमान खासतौर पे जो है तो उनके शाना बशाना शरीक रहेंगे, और आने वाले लाए अमल पर हम इंशाल्लाह और आगे बढ़कर काम करेंगे। ये बंद में जो है शहर औरंगाबाद में क्या हालात है? शहर औरंगाबाद में मुसलमानों ने, तमाम लोगों ने जो तो ये बंद किया, उनके हम शुक्रगुजार हैं, और ये मैसेज दिया कि हम एकजुटी के साथ हैं, मुल्क में हम अमन व अमान चाहते हैं, ये हमारा संविधान ने हमको हक दिया, अभी हम संविधान के तहत पूरा काम कर रहे हैं, और ये बंद का ऐलान किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि पूरा शहर बंद है। क्या डिमांड है आपकी हुकूमत से? हुकूमत हिंद से ये डिमांड है कि पहले विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को बैन किया जाए, उन तमाम मसाजिद को दोबारा बनाया जाए, और मुसलमानों को वहाँ पर वापस जो है तो उनको जो है तो उनके घर वगैरह जो भी है उनको लौटाया जाए, उनको बना कर दी जाए, और जो लोग जो है तो इसमें मुलविस है, इनको फास्ट ट्रैक में केस करते हुए इन पर मुकदमे दर्ज किए जाए। मोहम्मद ताहिर, समाज सेवक। बंद रखा गया है तो किस सिलसिले में है? त्रिपुरा के लिए बंद रखा गया, वहाँ पे जो मुसलमान वजुल हुआ, मस्जिदों में बेहरमती हुई, समझे क्या, तोड़ फोड़ हुई, स्वास्थ्य बंद रखा गया। ये जो शाहगंज का इलाका है टोटली बंद है? जी हाँ, ये पूरा बंद। कौन सा इलाका बंद है आज? शाहगंज तो पूरा बंद है। तो इसमें पूरे तंजीम में शामिल है? आपका नाम? मेरा नाम नहीं मुझे। आज जो बंद रखा गया है शहर औरंगाबाद में, इसका क्या असर पाया जा रहा है और क्यों बंद रखा गया है? ये रजा एकेडमी वालों ने त्रिपुरा में जो फसादात हुए, जो मस्जिद जलाए, जिसको गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बंद रखा गया है, इसमें मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत नुकसान हुआ, जाली माली, और वो लोगों ने इसके बारे में एहतजाज करे कि भाई गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं ले रही, गवर्नमेंट ने एक्शन लेना चाहिए, इसको सभी जितने भी तंजीमें हैं औरंगाबाद में सबों ने इसको तायद किए। एमआईएम के नासिर सिद्दीकी साहब ने भी अपील किए थे कल कि भाई अपने कारोबार एक दिन के लिए बंद रखिए। तो रोशनगढ़ इलाका है, यहाँ पर क्या असर है बंद का? रोशनगढ़ इलाका क्या पूरा औरंगाबाद ही बंद है, तकरीबन 100% बंद है। आपका नाम?
बंद है।